मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। मुंब्रा रेती बंदर खाड़ी में कल रात के समय लगभग 8 बजे के आसपास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद की गई है। लगभग 40 से 45 वर्ष की ये डेड बॉडी खाड़ी से मिली है। मौके पर मुंब्रा पुलिस और दमकल विभाग और आपत्ति व्यवस्थापन की टीम भी पहुँच गई और खाड़ी से लाश निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महाराष्ट्र में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुंबई में तापमान का रिकॉर्ड टूट गया है। सन 1956 के बाद मार्च महीने में पहली बार 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने मुंबई सहित ठाणे, पालघर, रायगढ़ में हीट वेव का अनुमान लगाया है। दहिसर पुलिस ने चरस गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 6 किलो 500 ग्राम चरस बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1,95,00,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी से इस पूरे मामले में आगे पूछताछ जारी है। भिवंडी पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पास से 4 जिंदा कारतूस, 1 पिस्टल, 27 ग्राम धातु की चेन और एक मोबाइल फोन बरामद किया है, जबकि दूसरे आरोपी के पास 4,00,000 रुपए के नशीले पदार्थ और एक बाइक बरामद किया गया है। आरोपियों के नाम है हरीश राकेश सिंह 30 वर्षीय, आफ्ताब उमर शेख 35 वर्षीय। अब ये दोनों आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र की एक अदालत ने 2017 में एक 17 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण और उसके साथ रेप करने के मामले में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर को 7 साल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीवी वीरकर ने सोमवार को फैसला सुनाते वक्त लक्ष्मीकांत वसंत दुबे 33 वर्षीय पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।